के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ए आर स्क्वायर और सरफेस पे ए क्यू अपॉन में कैपिटल वेरी गुड कैपिटल आर और इनसाइड स्फेरिकल शेल के जीरो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड क्या रहता है सर? सेम ही रहता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इसके सरफेस पे सेम ही रहता है सर कैपिटल आर। इनसाइड क्या रहेगा? इनसाइड बताओ के क्यू आर बाय आर क्यू। हाँ बोलो क्या कह रहे थे? के क्यू आर अपॉन आर क्यू आर क्यू राइट यही था ना? यस सर। इसका ग्राफ कैसे बनता था? इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, इसका तो कैसे बनेगा सर? इनसाइड तो जीरो ही है तो फिर लास्ट में सीधा सरफेस पे मैक्सिमम होता है और उसके बाद कैसा रहता है ऐसे? यही था यस सर। और इसका कैसे था सर? पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बीच में हो जाएगा फिर मैक्सिमम। वेरी ये कर्व नहीं है, ये तो सिर्फ वैल्यू बता रहा है सरफेस पे। एक्चुअल में कर्व कितनी है सर? ये चीज पार्ट नहीं है कर्व में, कहीं ये बना दो ठीक है, ये इतना ही पार्ट है सर, ये वाला कर्व नहीं होती, ये तो सिर्फ बताता है कि ये कौन सी जगह पर पॉइंट है, ऐसा ग्राफ दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, याद हो तो सबको? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, अब जब चार्ज को पहले बाहर रखा था फिर चार्ज को कहाँ रख दिया था? अंदर रख दिया था, याद है ना सबको? यस सर। चलो यस सर। अब ये क्वेश्चन के बारे में भी हमने दो मेथड से पढ़ा था, एक तो वो प्रीशु ने बोला था, एक मेथड वन रेशो वन। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये भी हो गया था, तो क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ये भी हो गया था, ये हमने होमवर्क दिया सर, ये होमवर्क पे दिया था, याद आया है ना? यस सर। यस अभी भी होमवर्क में ही जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने तुम्हें तुमसे ही करवाना है बच्चे। कैसे करा किसी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? किसी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? अरे ये हो गया था शायद, ये नहीं हुआ था तो होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था, नहीं कराया था पक्का? चलो कोई बात नहीं, तो तुमने फिर होमवर्क में क्या करके आए बताओ मुझे। थोड़ा बहुत करके आए होगे, जब तक ये करके नहीं आओगे इसको एज अ होमवर्क देंगे। आज इसका हिंट लेके जाना मेरे से, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ आज इसका हिंट लेके जाना, हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट पे ही मेंशन भी किया है, दिख रहा है ये? दिख रहा है? यस सर। हाँ ये नेक्स्ट पे मेंशन किया है, लेकिन हम इसको दोबारा से, मुझे जब हम क्लास खत्म करेंगे ना मेरे को एक बार याद दिलाना, इस क्वेश्चन को हम 90% तुम्हें अभी सोल्व करवा के दे जाएंगे, लेकिन घर से 10% करके आना, ठीक है? जब जैसे ही क्लास ओवर होने वाली हो मुझे प्लीज याद दिला दोगे, सब दिलाओगे याद? यस सर। यस सर। ये आज का मेन टॉपिक है हमारा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रख देते हैं उसके साथ? देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है सर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, मतलब चार्ज इनक्लोज कितना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना रहता है? जीरो। हमने साथ में पढ़ा हुआ है एक गॉस लॉ, इन दोनों को मिलाकर हमने प्रॉपर्टीज कुछ डिराइव की है कंडक्टर्स, जो तुम्हें पता होना जरूरी है, उसका रीजन भी हम कुछ हद तक दे देंगे, जो जो रीजन हमारा अभी तक के लिए वैलिड होगा वो वाले रीजन देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टेटिक की कंडीशन के लिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। पार्डन मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए नेट इलेक्ट्रिक। क्या बोलना चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना गॉस लॉ से, वैसे कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, याद हो तो सबको सर? जीरो। जीरो होता है, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से भी पढ़ते हैं, देखो कैसे। मेथड तो वही, मतलब सिर्फ थोड़ा सा डिराइव करने का तरीका दूसरा होगा। ये सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चे, दिख रहा है? यस सर।
सर इसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रखा यस सर उसकी वैल्यू है ई e. अच्छा आशीष ठाकुर आया हुआ है आशीष ठाकुर नहीं आया हुआ चलो आए तो बताना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा अब ये क्योंकि कंडक्टर है बच्चे कंडक्टर है इसके पास पॉजिटिव क्या इसके पास चार्ज जीरो होगा अंदर नो सर नो सर नेट चार्ज क्या होगा जीरो जीरो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलते हो ना यस सर पॉजिटिव क्या होता है वो न्यूक्लियस पॉजिटिव क्या होता है न्यूक्लियस वाला चार्ज जिसके साथ वो जुड़े हुए होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो न्यूक्लियस वाला चार्ज मतलब जिसको तुम वो भी बोल देते हो कभी कभी कोर क्या बोल देते हो कोर सेंटर तो वो तो मूव कर नहीं सकता तो मूव सिर्फ क्या कर सकते हैं सर फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है डायरेक्शन बताना इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू साइड होगा और नेगेटिव टू साइड ऐसा ही होगा यस सर तो क्या होता है जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है मतलब कंडक्टर के एक्सटर्नल फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड दर्द दी मैंने तो इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे ये सेपरेट होने लग जाते हैं जो इसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी तरफ भागने लग जाते हैं सर अपोजिट डायरेक्शन में जैसे पॉजिटिव साइड है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज है वहां पॉजिटिव वेरी गुड और बीच में जीरो हो जाता है तो यहां पर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज यस सर यस सर ठीक है सर और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा नेगेटिव रह गए तो पीछे क्या रह गया सिर्फ पॉजिटिव 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 उधर रह जाएगा तो आप देखो यहां पर ध्यान से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव बनने लग गए तो अंदर भी क्या बन जाएगा सर पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक जिससे वो फील हो जाएंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव देखो ऐसा यस सर यस सर इधर है नेगेटिव इधर है जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया वो येलो वाले चार्जेस और सेपरेट हुए और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बना तो कुल मिला के एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बाहर वाला और अंदर वाला एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे कैंसिल करने लग जाएंगे कब जब ये कैसे आ जाएगा कौन सी कंडीशन होगी उस केस में इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेकंड्स में काम होता है बच्चे सेकंड्स में एक्सटर्नल फील्ड लगाया अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाएगा अंदर जीरो रह जाएगा क्लियर है इसीलिए बोला जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो डाउट है इसमें तो पूछो वरना हैंड रेज करो वरना हैंड रेज भी कर सकते हो फटाफट करो हाँ वैदेही बोलो सर जो इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है होगा धीरे धीरे होगा एकदम नहीं होता मतलब होता तो इंस्टेंटेनियस है अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर से डालोगे उतना ज्यादा अंदर भी सेपरेशन क्या होगा ज्यादा होगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगा अंदर वाला भी वैसे वैसे बढ़ने लग जाएगा तो नेट वैल्यू अंदर वाला देखो अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है सर अपोजिट तो धीरे धीरे वो नेट वैल्यू को क्या कर रहा होगा धीरे धीरे कम कर रहा होगा या बढ़ा रहा होगा कम कर रहा होगा इक्विलिब्रियम पे आके वो बिल्कुल वैल्यू को कैंसिल कर देता है इसलिए बोल देते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाता है जीरो जीरो क्लियर है यस सर चलो आगे तो ये अब तुम्हें थोड़ा सा इसी को बताएंगे देखना अभी तो मैंने कनेक्टर कैसा भी ले लो जैसे इन्होंने ये कनेक्टर ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दाया देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है क्या इन्होंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर दिखाई हुई है अभी दिखाएंगे दिख रहा है yes, तो ये क्या हो जाएगा ईपी हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें अगर नेट दिखा रहे हो धीरे धीरे देखो ये एक्सटर्नल वाला है ये पी लिखता है पी का मतलब होता है पोलराइजेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो चार्जेस होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो कहाँ चले जाते हैं पॉजिटिव प्लेट वाली साइड मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉजिटिव वाली साइड बोलते हैं और जो नेगेटिव वाले हो जाएंगे वो पॉजिटिव वाले पीछे रह जाएंगे और ये कारण किसके कारण हुआ ड्यू टू ठीक है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है बच्चों
जीरो, तो यही हमने बताया। क्लियर है क्या? चले आगे। यस सर। यस सर। अब जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है बच्चे? सर पॉजिटिव। नहीं नहीं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये सेकंड प्रॉपर्टी याद रखना, दिमाग में रखना हमेशा। आउटसाइड द कंडक्टर हमेशा, जैसे यही कंडक्टर मैं लू, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाऊंगा? हमेशा परपेंडिकुलर। कैसा बनाऊंगा? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? हमेशा। अब रीजन अब इसका पूरी तरीके से तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आगे पढ़ेंगे, बट तुम्हें एक बात बताना, इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या तुमने सरफेस करंट जैसी कोई चीज सुनी है? सुनी है कभी? नहीं सुनिएगा, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सरफेस करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, और वैसे भी करंट सरफेस वाली इस पे हमने कभी बात ही नहीं की, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसी से हम प्रूव करेंगे। देखो कैसे, तुम पढ़ते हो मैथ्स में कि तुम्हें जब क्लियर करना होता है कि बताना है कि तुमने एक्स वाई के इक्वल नहीं है, ये भी प्रूफ करना होता है कभी कभी, है ना? क्या कर देते हो, पहले मान के चल लेते हो कि एक्स वाई के इक्वल है, फिर उसको क्या प्रूफ कर देते हो? गलत प्रूफ कर देते हो, जिसके तुम्हारा आंसर आ जाता है। करते हो ना, कन्वर्स थ्योरम बोलते हैं इसको। जो चीज हमने डिसप्रूव करनी है उसी को पहले हाँ के फॉर्म में मान के चलो कि मान लिया कि ऐसा होता है। जैसे तुमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कहते थे ना, तो हम कहते थे चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर दी, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक पॉइंट पर क्या करेंगी, कितनी डायरेक्शन दिखाती है इंटरसेक्ट करने के बाद? दो। तो जो कि पॉसिबल, जो कि क्या पॉसिबल है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन। तो वैसे ही हमने यहाँ करना है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले ही मान लिया कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमने कहा चलो फिर अब इंटरसेक्ट करती है तो दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्ट, इसका मतलब ऐसा ही इसमें मान रहे हैं। तुम कह रहे हो कि भाई परपेंडिकुलर होता है, हम कहते हैं चलो मतलब परपेंडिकुलर के अलावा कोई और एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता आउटसाइड द सरफेस। हमने कह दिया चलो मान लेते हैं कि किसी एक एंगल पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? हमने क्या कहा, मान लिया परपेंडिकुलर ना होके किसी एक एंगल पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? आओ मानते हैं। अभी तो ये तो क्या कह रही है प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के। हमने कहा चलो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सरफेस के क्या परपेंडिकुलर है, कितने एंगल पर है, देखो ध्यान से, थीटा एंगल पर, दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर ये थीटा एंगल। तो अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा कंपोनेंट होता है, ई कॉस थीटा, थीटा वाला ई कॉस थीटा, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला यानी ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, और हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा? देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर सरफेस के कौन सा है, साइन थीटा, तो हम कहते हैं एग्जिस्ट करना है, तो हमको किसको डिसप्रूव करना है, दिमाग में रखनी है, तुम्हारा प्रूफ नहीं आएगा इसका, बट तुम्हें थोड़ा बहुत रीजन पता होना चाहिए। देखो अगर अब ई कोस थीटा लग रहा है तो सर कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज भी होंगे, सर होंगे ना? यस सर। तो चार्ज होगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई कोस थीटा, यानी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, चार्ज भी है, तो क्यू मल्टीप्लाई बाई ई क्या होता है सर, फोर्स भी लगी होगी, फोर्स लगता है तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी क्या होगा साथ साथ एक्सेलरेशन, यानी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या बनाता है चार्ज मूव करके, करंट, सही बोल रहे हो करंट। तो लेकिन सरफेस करंट जैसी कोई चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो पढ़ी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में बात करते, तो ऐसी कोई चीज जब एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्या ये कंपोनेंट पॉसिबल होगा क्या? नो सर। क्लियर है सबको क्या बात हो रही है? हाँ एग्जैक्टली मैं बोलूं, ये बिल्कुल मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है,
ये सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो ना चार्ज एट रेस्ट, तो अभी इसके फॉर्म में इसको कर देते हैं कि हाँ वैसे ये बात सही भी है कि एक सरफेस करंट जैसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी तो इसलिए ये डिसप्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन इसका बहुत एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है, हम आगे आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए हमारे लिए यही सही है। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ कोई कुछ कह रहा है? चलो तो हमने क्या बोला कि भाई मान लिया कि तुमने क्या है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है, हमने क्या कहा परपेंडिकुलर चलो मान लेते हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो सरफेस का एक कंपोनेंट होगा ई कोस थीटा टेंजेंशियल, तो ई कोस थीटा अगर सरफेस पे है तो सरफेस के ऊपर फोर्स मतलब चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो उनका क्या होगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मतलब चार्ज अगर मूव कर रहे होंगे तो क्या बनाएंगे करंट, एक्सेलरेशन करते हैं वैसे करंट तो बनाते हैं साथ साथ ईएम वेव्स होते हैं, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है वैसे उसके लिए नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो इसको इसको दिमाग में निकाल दो एक बारी, पर फिलहाल तुम ऐसे समझो फोर्स लग रही है तो चार्ज मूव करेगा और मूव करेगा तो क्या बनाता है वो करंट, करंट, लेकिन सरफेस करंट जैसी, क्योंकि सरफेस वाले मूव कर रहे हैं तो सरफेस करंट बोल दिया उसको, अभी बात कैसे आओ देखते हैं, देखो पढ़ो इसको। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल अदर देन 90 यानी परपेंडिकुलर नहीं है, तो कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, ई साइन थीटा वाला तो हमने बोला कि होगा ही होगा, ई कोस थीटा को डिस्प्रूव कर रहे हैं तो उसने यही बोला ई कोस थीटा होगा यहाँ पर एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, टेंजेंट के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, हाँ जी कर रहा है, विच विल टेंड टू क्या करेगा, देखो तुम्हें लिखा हुआ है क्या करेगा, एक्सेलरेट द चार्ज ऑन द सरफेस, और चार्ज एक्सेलरेट होगा तो क्या बनेगा सरफेस करंट, बट देयर इज नो करंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम चार्ज को रेस्ट पर बात कर रहे हैं ना, उसका तो मतलब ही क्या है चार्ज कैसा होना चाहिए एट रेस्ट, ये तो मूव कर गया करंट बना रहा है तो अब उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो और भी इसको थोड़े से इसको और अच्छे से भी पढ़ेंगे धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है चले आगे। यस सर, यस सर, तो थीटा क्या होना चाहिए मतलब 90 होना चाहिए, 90 कोस 90 होना चाहिए क्या मतलब जीरो, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्लियर है, यस सर, आओ तीसरी, तो दो प्रॉपर्टी क्या हो गई, पहली तो अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जीरो, और कंडक्टर के बाहर जो डायरेक्शन होगी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होगा हमेशा परपेंडिकुलर, अब ये हम गॉस लॉ से प्रूफ कर चुके हैं, कंडक्टर के इनसाइड अभी अभी हमने बात करी है कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों जीरो, जीरो, अगर ये कंडक्टर है मान लो तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो, तो गॉस लॉ लगाना एक बार इस पे E dot ds कितना होगा q upon q upon epsilon enclosed electric field, अगर अंदर की बात कर रहा हूं तो electric field भी अंदर देखो अंदर electric field कितनी है zero, चार डिस्टेंस पे मान लो किसी r डिस्टेंस zero, तो electric field zero है तो E dot ds भी zero, तो charge is closed by epsilon not भी zero, तो इसका मतलब epsilon not तो constant है तो क्या zero होगा इसका मतलब आसान था, हम सब कर दो जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड्स, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि नेट चार्ज इन साइड द कंडक्टर इज जीरो, हाँ ईशांत बोलो कुछ पूछ रहे थे गलती से हो गया, चलो अभी इसको देख लेते हैं, ये भी ऐसे भी देख लो ताकि ताकि क्लियर हो जाए, ये कंडक्टर लिया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देखो E dot ds is equal to Q upon epsilon not, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो Q भी क्या होगा जीरो, तो पहली प्रॉपर्टी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और आउटसाइड द कंडक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तीसरा नेट चार्ज कंडक्टर के इनसाइड क्या रहेगा जीरो, 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 ठीक है, अगर सर अब नेट चार्ज मान लो कंडक्टर के अंदर क्या है जीरो ही मानते हैं ना हमेशा,
अगर मैं धक्के से चार्ज डालना चाहूं उस पे, तो कहां चला जाएगा वो चार्ज? सरफेस पे। सरफेस पे यार भाई, तुमने कहा नेट चार्ज जीरो, हमने कहा ठीक है नेट चार्ज जीरो है, ठीक है ठीक है, लेकिन मैं धक्के से देना चाह रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन वो चार्ज रहना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ऐसा अरेंज हो जाएगा सब कुछ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे हमेशा जीरो, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो रहेगा तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड हमेशा ही गोस लोग अकॉर्डिंग क्या रहेगा जीरो। तो तुम धक्के से उसको चार्ज दोगे तो वो अपने आप को सारा चार्ज को कहां भेज देगा? अपने सरफेस पे। तो लास्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही बता रही है हमें, अगर तुम चार्ज दोगे तो वो सारा कहां चला जाएगा? उसके सरफेस पे। देखो चार्ज मैं इसके ऊपर फेंकूंगा बहुत अंदर, लेकिन ये सारा सरफेस पे आ जाएगा। देखो ठीक है, ये डाल रहा था अंदर, यस सर, सरफेस पे ये डाल रहा था, ये सर क्लियर है? यस सर। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, वही बता रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो चार्ज अंदर जीरो रहना चाहिए, तो तुम जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज अंदर तो जीरो ही रहना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पोटेंशियल वाली, ये अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है फोर्थ प्रॉपर्टी तक हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ेंगे, सिक्स्थ पे आ जाते हैं। अब अगर सरफेस क्यू को चार्ज, अब भाई मान लिया तुमने कंडक्टर को चार्ज दे दिया, एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया कहां पर? उसके अंदर डालने के लिए, लेकिन वो सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पे। वो चार्ज आ तो जाएगा, लेकिन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? कहीं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा या कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो अगर भाई नो यूनिफॉर्म सरफेस है मेरा, तो चार्ज भी कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पे? यूनिफॉर्मली। सपोज करो यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, कुछ ऐसा सरफेस है, दिख रहा है ऐसा? यस सर। यहाँ से थिन है, यहाँ से क्या है थोड़ा सा ठीक हो जाए, कुछ भी कैसा भी सरफेस हो, कुछ ऐसा बना, यहाँ से थिन है, यहाँ से क्या है सर, दिख रहा है? ये थिक है, लीफ शेप थिक है, यहाँ से कैसा है? थिन है। सर अब सरफेस ये है, अब अंदर चार्ज दूंगा डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, तो कहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पर कम डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ। एक तो इसको तुम डराइव कर सकते हो, लेकिन हम कहेंगे भी डराइव नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना डीप में जाना नहीं, पर तुम इससे इमेजिन कर सकते हो। सरफेस है, सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। हिंट मिल जाएगा तुम्हें, हिंट मिल जाएगा, अगर एरिया ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। कम डेंसिटी का मतलब समझ लो भीड़, क्राउड, क्या समझ लो? क्राउड, ज्यादा चार्जेस। अगर एरिया कम तो चार्ज डेंसिटी कम, ज्यादा ज्यादा, छोटी सी जगह पर ज्यादा चार्जेस होंगे, और एरिया ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, कम, यानी भीड़ की जगह खुले खुले हो जाएंगे। तो यहाँ पर एरिया कम मानूंगा या ज्यादा मानूंगा सर? चार्ज यहाँ पर थिन है, यहाँ पे एरिया कम, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पर भीड़ ज्यादा मिलेगी। अच्छा यहाँ पर भीड़ क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, समझ में आ रहे? इसको वैसे एरिया की फॉर्म में डराइव तो नहीं करते, मैं इसको एक और चीज बोल सकता हूँ, ड्राइव नहीं करते हम, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, कर्वेचर बोल दो, क्या बोल दो इसको, एग्जैक्ट वर्ड जो यूज होता है कर्वेचर। अगर कर्वेचर कम सिग्मा ज्यादा, कर्वेचर ज्यादा सिग्मा कम, तो यहाँ पर सिग्मा ज्यादा हो जाएगा। अगर ये थिनेस्ट पार्ट है तो यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम, ये थिकेस्ट पार्ट है तो यहाँ पर सिग्मा मिनिमम। थिक पे मतलब ज्यादा कर्वेचर, ज्यादा कर्वेचर तो सिग्मा मतलब भीड़ कम, क्लियर है? यस सर। अभी इसको देख लो, बताओ कहाँ पर, फर्स्ट वाले सरफेस पे या सेकंड वाले सरफेस पे सिग्मा कहाँ मैक्सिमम होगा? फर्स्ट। देखो यहाँ पर चार चीज खुले खुले हो गए ना इधर, इसलिए और इधर देखो भीड़ ज्यादा है, तो फर्स्ट वाले पे सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगी, सेकंड वाले पर मिनिमम, दिख रहा है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पहली बात तो ये थी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ऐसे ही रिलेट करो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो, और अगर इसके बाद बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस।
अगर मान लो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर चार्ज भी क्या होगा? नेट चार्ज जीरो। धक्के से दे दो चार्ज तो सर वो सरफेस पे भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जहाँ पर कर्वेचर कम होगा वहाँ पर भीड़ क्या होगी? ज्यादा। जहाँ पर कर्वेचर ज्यादा वहाँ पर भीड़ ज्यादा, भीड़ कम। ठीक है, भीड़ का मतलब सिग्मा की बात है, वही इसने बताया बस। ये क्या है? Every conductor is an equipotential volume rather than just equipotential surface. अभी बात करेंगे इसको, लेकिन अभी हम एक ये चीज करेंगे, ये इसी क्वेश्चन, इसको एक बार इग्नोर कर देना, ये हम कर चुके हैं। बाकी इसके ऊपर देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन पे बात करो, अपनी तरफ से सोचो क्या लगना चाहिए तुम्हारे ऊपर। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर सोचो, हम गायब हो रहे हैं, करो बताना मुझे जब हो जाए। याद रखना अंदर कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है नेट? जीरो। नीचे वाली फिगर को यूज कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को करने के लिए, बताना मुझे जब भी हो जाए, एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सर ऑप्शन ए। यस सर, ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन ए लग रहा है क्या? किसी को? यस सर। अब मुझे रीजन बताओ क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें ऑप्शन ए? सर ए ऑप्शन सर, क्योंकि ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, इनसाइड भी नहीं है। वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट किसी में भी नहीं कर रही, बताओ कहां कर रही है? नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो देखो बी ऑप्शन तो किसी को लगेगा भी नहीं, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता बी ऑप्शन? क्योंकि सर इनसाइड में भी है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जा ही नहीं सकती, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ना क्या होता है? जीरो। क्योंकि कंडक्टर है, क्या दे रखा है? मेटल, मेटल कंडक्टर की बात हो रही है ना। ठीक है, आ रहा ऑप्शन ए। अब मैंने नीचे वाली फिगर डाली है तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई ये कंडक्टर है, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड अगर मैं इसको दूंगा तो इसके अपोजिट चार्ज आ जाता है ना। देखो अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये कंडक्टर है, इसको एक्सटर्नल फील्ड दे रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पोलराइजेशन आ जाती है, तो ऊपर वाली साइड कौन से आ जाएंगे? कैसा चार्ज आ जाएगा कंडक्टर के अंदर? ऊपर वाली साइड नेगेटिव, नीचे वाली साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव। और एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ बन जाएगा? ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड। ठीक है, नेगेटिव, इसकी वजह से धीरे धीरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, कम होते 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 होते। तो सर यस तो ठीक बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव, भाई वो पॉजिटिव जा रहा था, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ अंदर भी कैसा बन रहा है, इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। तो सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो पॉजिटिव से जाके नेगेटिव की तरफ जाती है ना, तो पॉजिटिव से जा रही होगी वो तो निकल रही होगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव से जा रही होगी निकल रही होगी, यहाँ से भी पॉजिटिव जा रही होगी निकल रही होगी, तो क्या इन पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अंदर वाले? पढ़ना तो चाहिए सर, नहीं पड़ेगा। जा रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर वाले की तरफ, इधर जाना तो चाहती थी नीचे की तरफ, लेकिन उसी को रास्ते में ही क्या मिल गया? एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज। का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव से, पॉजिटिव किसकी तरफ जाती है? नेगेटिव की तरफ ना, पॉजिटिव से, तो वो जा तो रही थी ऐसा, जाना चाह रही थी, लेकिन उसको रास्ते में ही क्या मिल गया? नेगेटिव चार्ज, तो वहां चली गई, नेगेटिव मुड़ गई। ऐसे ही सर ये भी सीधा जाना चाह रही थी, लेकिन रास्ते में ही क्या मिल गया सर उसको? पास में नेगेटिव चार्ज मिल गया उसको, ये तो सर सीधी जाएगी नेगेटिव पे। ये भी ये सीधी जा रही थी, लेकिन रास्ते में क्या, किसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया इसका? थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ, लेकिन ये बहुत दूर थी, ये वाली लाइन बहुत दूर थी, इसलिए पूरी नेगेटिव की तरफ ना जा पा के थोड़ी सी अट्रैक्ट हो गई, इसलिए थोड़ी सी बेंडिंग आ गई इसमें। क्या आ गई? स्ट्रेट जाना चाह रही थी, लेकिन थोड़ी सी बेंडिंग इसमें भी आ गई, क्योंकि ये भी अट्रैक्शन हो गया। दिख रहा है?
ये क्यों नहीं हो सकता सर? ये भी, ये देखो यहाँ पर तो सारी की सारी को सेम अट्रैक्शन मिल रहा है ना, दूर वाली भी अट्रैक्ट हो रही है सर। दूर वाली तो सीधा जाने चाहेगी ना, थोड़ा सा बेंडिंग होगी और दूर वाली में बेंडिंग और कम हो जाएगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे बेंडिंग क्या होती जाएगी, कम होती कम होती जाएगी। देखो यहाँ पर बेंडिंग धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पर तो बेंडिंग हो ही नहीं रही, तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? क्लियर है क्या ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? बुक क्लियर है पक्का? पूछ लो। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमने सिर्फ तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें दिमाग में रही ये चीज इसलिए बताया, लेकिन ऑप्शन सी तो एक्चुअल में ऐसा होता ही है, ठीक है, बट तुम्हें रीजन कुछ ना कुछ देना ही था, तो तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पर रीजन कैसा हो रहा है। क्लियर है सबको? ऐसे याद भी रख सकते हो तुम इसको जैसे मैंने बताया, तुम्हें ये दिमाग में रखना पड़ेगा सिर्फ थोड़ी सी बेंड हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कंडक्टर के पास होती है, और ये सारा सरफेस से क्या होगी सर, ये जो सरफेस के पास है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ये सरफेस के क्या होंगी, ये वाली परपेंडिकुलर, ये पढ़ लिया ना सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था। यस सर। हाँ चले आगे, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये क्या है सर, इसकी डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा बट तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या करना है बच्चों, रिलेशन फाइंड करना है। क्या होता है रिलेशन मैं बता देता हूँ, E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ डीवी बाय डीआर। ये हमने एक्स्ट्रा क्लास में भी पढ़ा था, तुम्हारे को सैटरडे में बताया भी था शायद, राइट? यस सर। जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी हो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। यहाँ पर पोटेंशियल वेरी हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, साथ में नेगेटिव है तो क्या लिख दो, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी पॉइंट पर अगर कहीं पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पर पोटेंशियल का कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। याद रखना पोटेंशियल का ग्रेडियंट चेंज, पोटेंशियल का चेंज बोला, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल का चेंज, चेंज वर्ड बहुत जरूरी है। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, छोड़ी थी ना एक प्रॉपर्टी। यस सर। यस सर। देखो भाई अगर ये एक सरफेस है, दिख रहा है यही सरफेस कंडक्टर? यस सर। इसके साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। जीरो, नेट इलेक्ट्रिक। अभी अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस डीवी बाय डीआर। डीआर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर क्या जीरो है, चार्ज। चार्ज। पोटेंशियल जीरो है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है, मतलब पोटेंशियल का क्या जीरो है, कुछ तो जीरो है, डिफरेंस। ये क्या है अभी बताया, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जीरो। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो मतलब पहले जो पोटेंशियल था वही अब है, यानी पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट। जीरो नहीं बोलोगे यहाँ, पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। तो कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Since E is equal to zero in the interior of the conductor, तो change in potential भी zero, यानी potential क्या होगा, constant। तो अगर एक ऐसा conductor है, इसके inside, इस पूरे region पे potential की value constant है, यहाँ पर भी, यानी constant है मतलब change नहीं हो रही। तो हर जगह जिस surface पर हर जगह potential constant हो, उस surface को बोलता हूँ equipotential। Equipotential surface। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ सर? यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट करता है
कि जब पोटेंशियल का चेंज हो रहा होता है, जिस डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बोलूं पोटेंशियल के लिए मैं, पोटेंशियल का जहां चेंज हो रहा होता है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है। वैसे माइनस जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, याद रखना पोटेंशियल इज अ स्केलर, ठीक है। चले आगे, डन, यस सर। जब तुम डराइव करोगे ना, यही मैंने ड्राइव नहीं करवाया, तुम्हें नेगेटिव पता भी लगेगा। नेगेटिव क्या होता है, जब हमने दो तरह के वर्कडन पढ़े थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा और एक एक्सटर्नल वर्कडन पढ़ा था ना, दोनों में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट, एक नेगेटिव हो जाता, तो वही नेगेटिव यहाँ से आया था एक्चुअल में। डराइव करोगे, मैंने डराइव के लिए तुम्हारे को छोड़ दिया है, हालांकि तुम देखो तो इसके अंदर पीडीएफ में तुम्हें डराइव हुआ मिलेगा, देखो दिख रहा है, जिसको दिक्कत हो वो मेरे से पूछ लेना, इसको एज एन होमवर्क करना, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा सिलेबस भी थोड़ा सा कवर करना है, लेकिन ये आसान चीज है अगर तुम चाहो तो, मैंने इसलिए पीडीएफ में छोड़ा है, डेरिवेशन करना अच्छे से एक बार देखना, और जो डाउट हो मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बोल देना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, सुजल बोल रहे हो कुछ? नो सर, नो सर। चलो करें आगे, स्टार्ट करें, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो ये हमारी थी बच्चे प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज की समरी कर लो फटाफट। पहले क्या था सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, और जस्ट आउटसाइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तीसरा सर, चार्ज जीरो, नेट जीरो इनसाइड, और अगर दिया तो सर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सरफेस चार्ज। ये कौन सा चार्ज है जो तुम दोगे, मतलब एक्सेस चार्ज बोल दिया, जो न्यूट्रल है तो वो है अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल मात्रा में, वो सरफेस पे नहीं चले जाएंगे, वो तो न्यूट्रल ही है ना, जो तुम एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, एक्सेस चार्ज दोगे, वो सारा कहाँ चला जाएगा? सरफेस। और सरफेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? कर्वेचर कम, कर्वेचर एंड सिग्मा ज्यादा, ज्यादा ज्यादा तो सिग्मा कम। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी और पड़ी है, इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कैसा रहता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। चलें आगे, यस सर, यस सर, यस सर। यहां तक हमारा वैसे लेक्चर खत्म हो गया आज का, अब एक हिंट लेके जाओ जो मैंने बोला था लास्ट में, थर्मो क्वेश्चन, वही वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। यहां पर क्या है बच्चों, देखो हमने जो, देखो सबसे पहले तो क्या करना है, तुम्हें क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्फीयर, इसकी रेडियस कितने की बना है? आर। और इसके इनसाइड की बात कर रहे हो स्मॉल आर, इसके इनसाइड की बात कर रहे हो स्मॉल आर में, सपोज करो यहाँ दिख रहा है पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी दूर है पी पॉइंट, आर डिस्टेंस पे नहीं है वैसे तो, कितनी दूर है, बी डिस्टेंस, बी डिस्टेंस, तो निकाल लेंगे हम तो, ऐसा कोई बात है नहीं वैसे, क्या करेंगे सर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली वहां पर क्या बना देंगे, ओशन सरफेस के लिए इक्वेशन लगा दो, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एस एनक्लोज्ड। सर अब ई डॉट डी एस, ई तो बाहर ले लू, डॉट डी एस कोस जीरो होता है हमेशा, पता है ना सबको, इसके अनलेस एंड अंटिल कुछ कंडीशन मेंशन ना हो, ई अंदर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, बाहर ले लिया, डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय ओशन सरफेस का छोटे छोटे एरिया यहाँ पर काटूंगा तो कितना बन जाएगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ओशन सरफेस पे लेते हैं हमेशा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रेडियस है उसकी, देखो स्मॉल आर बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर,
इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, सब कुछ आ गया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जो, बाकी सब उधर ले जो, बस किसकी वैल्यू नहीं पता सर, क्योंकि वैसे हम क्यू एनक्लोज की निकाल लेते सर, टोटल में अगर वो चार्ज कितना है क्यू और वॉल्यूम कितना है क्यू अपॉन 4/3 πr³, तो अभी जो कितने में निकालना है 4πb² इंटू में जो भी डी बी लगा देंगे कुछ भी करके इसके अंदर निकालना हो, लेकिन ये अब हम नहीं कर सकते, पहले करते थे ना ऐसा, याद है सबको इनसाइड द स्फीयर ले एग्जांपल दिया था जो मैंने, याद है हाँ। अब ये नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट थी, लेकिन अब चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, सी इंटू आर, आर क्या है इनसाइड कितना डिस्टेंस हम चल रहे हैं, अगर आर 2 सेंटीमीटर है तो रो की वैल्यू कितनी आ गई 2c, आर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, अगर आर 6 सेंटीमीटर है तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6c. अब मैं क्यू एनक्लोज्ड कैसे निकालू, अगर क्यू एनक्लोज्ड निकाल दिया इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, बस मेरे को क्या निकालना है क्यू एनक्लोज्ड, अब ये कैसे ये कैसे निकाल, देखो यही लाल सरफेस को हमने एक बार उठा के यहाँ रख दिया, दिख रहा है लाल सरफेस जिसका रेडियस क्या है हमने क्या किया, हमको नहीं पता, हमने कहा कोई बात नहीं हम निकाल देंगे, हर एक पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, यानी हर दुकान पर लेस की वैल्यू क्या है डिफरेंट है सर, तो सर अब क्या करें, तो मैंने कह रहा कि इस ऐसे प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं बच्चे इंटीग्रेशन, मैंने सरफेस काट लिया जिसकी रेडियस, ये सरफेस दिख रहा है ये यस सर, जिसकी रेडियस है आर, कितनी है आर, और इसकी जो थिकनेस दिख रही है ये कितना हो गया, आर में ही थोड़ा सा ऐड कर दो, थिकनेस पहुंच गया तो कितना बोल दो इसको, थोड़ा सा ऐड किया दिया डीआर, कितना बोल दिया डीआर, तो इस छोटा सा सरफेस मैंने काटा है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी थिकनेस क्या है डीआर, अब हम कुछ नहीं करेंगे, देखो अब देखो ध्यान से सर, तुम्हें पता है यहां से यहां तक का टोटल थिकनेस है आर डी आर, मेरे को तो कहां तक का चाहिए सब, कहां तक पूरा करना है चार्ज, चार्ज तक कितने 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 उस तक चाहिए सरफेस तक, कितनी रेडियस तक चार्ज की वैल्यू चाहिए, बी रेडियस तक, वेरी गुड, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस सरफेस से, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन करूंगा, रो जो होता है बच्चे वो क्या होता है डी क्यू बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, रो है रो एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम डी क्यू बाय डीवी, डीवी, तो अगर चार्ज निकालना है तो क्या करूं, रो इनटू में डीवी और वॉल्यूम, ये तो स्मॉल चार्ज है टोटल के लिए दोनों साइड, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, क्योंकि छोटे चार्ज को जब इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा ना, तो Q is equal to क्या हो जाएगा, रो डीवी, अब सिर्फ ये लर्न कर लो, Q की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसको, रो डीवी, अच्छा रो की जगह क्या होता, एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो Q कैसे निकालता, सिग्मा सर सिग्मा डी ए, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन होता तो Q कैसे निकालता, सिग्मा डी एल, सिग्मा डी एल, सबको यस सर, अभी तो हम रो वाला कर रहे हैं तो सिर्फ रो वाले की बात करेंगे, तो कुल मिला के सर चार्ज निकालने के लिए रो डीवी कर देते हैं, रो की वैल्यू तो तुम्हें गिवन है, कितनी बच्चे सी आर, सी आर, हाँ तो सी आर पुट कर देते हैं हम, रो की वैल्यू सी आर पुट कर दो, सी आर डीवी, तो अब डीवी कैसे निकालेंगे अभी बात करते हैं, सी की जगह सी तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लूं क्या, बाहर अंदर है ही, डीवी की जगह क्या लिखूं बताओ, डीवी होता है स्मॉल वॉल्यूम, और इस ग्रीन सरफेस की बात है ना, इसकी वॉल्यूम है ना स्मॉल, क्योंकि इसका जो थिकनेस है डी आर है, तो इसकी वॉल्यूम क्या है डी बी, कैसे निकालता हूँ, मैंने वो बताया हुआ है वॉल्यूम का एक और तरीका, कभी किसी को याद हो तो, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ लेंथ थिकनेस कुछ भी बोल दो,
तो ऐसा ही देखो, इसका स्मॉल सरफेस की वॉल्यूम निकालनी है ना, तो स्मॉल सरफेस की लेंथ कितनी है या एरिया कितना है, एरिया कितना है स्मॉल सरफेस का, 4 पाई, क्या था रेडियस क्या है इसका छोटे सरफेस का, आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी है dr, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, ये थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस क्या हो जाती है वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो क्लियर है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, सी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा, आर इनटू आर स्क्वायर, क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाय टू आर क्यूब डी आर, ऐसा बन गया ना अभी, इसकी दो आर, आर स्क्वायर है और एक आर है, तो आर क्यूब बन गया। अब इसकी लिमिट डालो, लिमिट स्टार्ट कर रही हो बिल्कुल सेंटर से, लेकिन कहाँ तक जाना है, टोटल रेडियस कितनी तक, कितने तक चार्ज की वैल्यू पता करनी है, तो लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो से तक, तो c into 4 पाई तो था ही, r q का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, इस 4 से ये 4 भी काट दो, c into पाई r की पावर 4, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, r की 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 raised to power 4। तो सर ये जो चार्ज आया था, ये एनक्लोज्ड चार्ज हमने ऐसे निकाला रो डीवी का इंटीग्रेशन करके, क्या वैल्यू आई इसकी, c pi b की पावर 4, इसके अंदर पुट कर दो, अब तो बस यही पुट करनी थी ना, आओ करते हैं सर। तो सर e की जगह e, 4 by b की स्क्वायर की जगह 4 by b स्क्वायर, q एनक्लोज्ड की जगह क्या पुट करूं सब बताओ, c pi b 5 पाई से पाई गया, यस सर, b स्क्वायर से एक स्क्वायर कर गया, तो b का क्या बच गया फिर से स्क्वायर, अच्छा e की वैल्यू अब क्या आ जाएगी बताना सर, c b स्क्वायर सर, b ऑप्शन, ऑप्शन b, b ऑप्शन, ये आ गया क्या b ऑप्शन, यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे मेरे को भी पता है एक बारी में समझ आने वाला नहीं है, नहीं मेरे को पता है, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, लेकिन बाद में करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुमको क्या दिमाग में रखना है सर, जब भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आए मेरे को सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड निकालना, तो जो गॉसियन सरफेस मैंने पहले बनाया था बी तक रेडियस का, इसका चार्ज एनक्लोज निकालने का क्या तरीका है, इंटीग्रेशन करना, अगर मेरे को मान लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज एनक्लोज का फॉर्मूला क्या है, रो डी, रो डीवी, तो एक छोटा सा इसी गॉसियन सरफेस के अंदर एक छोटा सा सरफेस मानूंगा, उसकी थिकनेस होगी कुछ, उसका एरिया होगा कुछ, तो वो तो होगी उसकी स्मॉल वॉल्यूम, रो की वैल्यू वन होगी, और मैंने सिर्फ क्या कर देना है उसका, तो मेरे पास चार्ज एनक्लोज जाएगा। लेकिन इससे भी पहले मैं एक काम करूंगा, उस गॉसियन सरफेस के लिए, उस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा था E डॉट ds इज इक्वल टू नॉट, E को बाहर ले लिया था, ds की जगह क्या लिखा था, 4 पाई क्योंकि टोटल गॉसियन सरफेस के लिए करना है ना मैंने, तो अगर तुम पहले ये नहीं लिखोगे ना, yes, sir, अगर ये चीज तुम बाद में लिखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये छोटे से सरफेस को काटने से पहले लिखना, कट करने से पहले लिखना, क्योंकि अगर तुम बाद में लिखोगे ये तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर बी लिखूं या आर लिखूं, कंफ्यूज हो जाओगे, तो जब तक तुमको छोटा सरफेस काटोगे नहीं, छोटे सरफेस की ही तो रेडियस क्या है बच्चे, आर है ना, तो अगर तुम पहले सरफेस काटी उसके बाद गॉस लॉ लिखोगे तुम कंफ्यूज होगे सर बी लिखूं या आर लिखूं, इससे अच्छा क्या है सरफेस को बाद में काटना, पहले गॉसियन सरफेस के लिए क्या लिख दो, गॉस लॉ, गॉस लॉ लिख दो, कि उस टाइम तक तो आर आएगा ही नहीं, जब आर नहीं आएगा तो क्या ही लिखोगे सिर्फ बी लिखोगे, अब गॉस लॉ लगा दिया उसके बाद इसके अंदर चेंजेस करना, फिर तुम एक छोटा सा सरफेस काटना उसके लिए क्या लिखोगे अपना इंटीग्रेशन लगाना रो डीवी करके, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना,
ठीक है, और ऐसे ऐसे नेट पर कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन मिले उठा के करने लग जाना, और नहीं आए मेरे को सेंड कर देना, ऐसा ऐसा कैसा भी क्वेश्चन मिले, कोई भी नेट पे क्वेश्चन मिले, ठीक है, और हम भी भेजते रहेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, नो सर। चलो, किसी को डाउट है तो रुक जाओ, वरना आज का लेक्चर हमारा बच्चे इतना ही था, हमने समराइज कर दिया सब। नो सर, हो गए राइट, ये सारे हो गए, न्यूमेरिकल्स डन, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स हो गई, यस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हो गए, यस सर, आज के लिए इतना ही था। ओके, करते मीटिंग एंड, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर, रिकॉर्डिंग कर, तो किसी का डाउट है तो पूछो।